मॉडर्न क्लासिक बाइक और घुमावदार पहाड़ी रास्तों की अपनी अलग ही बात है, और अगर आप इन रास्तों पर बाइक चलाने में दिलचस्पी रखते हैं तो जावा 42 एक बहुत अच्छा विकल्प है। बेहतर परफॉर्मेंस, सड़क पर अच्छी पकड़ और बढ़िया लुक्स, इस जावा में ना पसंद करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं। जावा 42 जावा मोटरसाइकिल्स की सबसे अफोर्डेबल और सबसे पॉपुलर मॉडल है। पिछले साल BS6 मॉडल लॉन्च की गई थी 42 की और एंटायर जावा मोटरसाइकिल रेंज की। अब 2021 में आई है जावा वर्जन 2.1। कंपनी कहती है कस्टमर फीडबैक लेके काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स की गई है। ख़ास तौर पे इसमें अब दिया गया है एलॉय व्हील्स ट्यूबलेस टायर्स के साथ, इंजन ब्लैक्ड आउट है, थोड़ा कॉस्मेटिक चेंजेस है, स्पॉटी स्ट्राइप्स है बॉडी वर्क में, बेली पैन थोड़ा सा लंबा है, ऊपर का कुशनिंग भी अच्छा है पहले से। जावा कहती है लॉन्ग राइड्स पे जाएंगे तो ये और कंफर्टेबल रहेगी। 42 असल में काफी खूबसूरत मॉडर्न क्लासिक मोटरसाइकिल है जिसे क्लासिक लाइंस और आधुनिक उपकरण दिए गए हैं। 2021 मॉडल में हुए बदलाव भले ही छोटे लगे लेकिन अपने हिसाब से ये काफी हैं। बाइक के साथ पूरी तरह ब्लैक्ड आउट थीम, ब्लैक्ड आउट इंजन और ब्लैक्ड आउट नए अलॉय व्हील्स दिए गए हैं जो अब ट्यूबलेस टायर्स के साथ आए हैं। यहाँ रंगों के नए विकल्प भी हैं, नए बॉडी ग्राफिक्स मिले हैं और स्पोर्टी दिखने वाली पट्टी दी गई है जो बाइक के किनारे पर दिखाई देती है। बाइक की सीट में भी सुधार हुआ है जिसे काफी मुलायम बनाया गया है और इसका आकार भी बढ़ गया है। साइड स्टैंड के डिजाइन में भी बदलाव हुआ है और बाइक के साथ अलग किस्म की ग्रैब रेल्स दी गई हैं। 42 में अब फ्लाई स्क्रीन और हेडलाइट ग्रिल का विकल्प भी शामिल किया गया है। तो आखिर में सवाल यह है कि नया जावा 42 पहले से कितना बेहतर है? एक तो लुक इसका डिफरेंट है, थोड़ा ब्लैक आउट इंजन, ब्लैक आउट एग्जॉस्ट, और आपको मन की शांति मिलेगी क्योंकि एलॉय व्हील जो ट्यूबलेस टायर्स है, आपको टायर उतार के ट्यूब बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपको कहीं पंक्चर हुआ तो। चलते वक्त बाइक की परफॉर्मेंस जानी पहचानी लगती है। इसमें लगा करीब 300 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन दमदार मिड रेंज देता है और रफ्तार पकड़ने के लिए मोटरसाइकिल बेचैन रहती है। बहुत तेज रफ्तार नहीं लेकिन कम भी नहीं। घुमावदार पहाड़ी रस्तों पर जावा 42 के प्रदर्शन में हैंडलिंग को मिलाकर देखें तो ये दमदार विकल्प के रूप में सामने आती है। सस्पेंशन थोड़े सख्त हैं, लेकिन कच्चे रास्तों पर बहुत आराम से मोटरसाइकिल आगे बढ़ जाती है। राइड क्वालिटी कुल मिलाकर पसंद आने वाली है और मोड़ पर बाइक को दौड़ाने में काफी मजा आता है। लेकिन बाइक में एग्जॉस्ट थोड़े नीचे लगे हैं जिससे इसको झुकाते समय आपको थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। सस्पेंशन इसका चेंज हुआ है, थोड़ा सा ट्यूनिंग चेंज हुआ है, सीट भी इसका नया है, कंफर्टेबल है, मैंने जितना चलाया आज कोई मुझे शिकायत नहीं है। लेकिन कितना बेहतर है पहले से, अगर मैं 300-400 किलोमीटर ना चलाऊं या 2-3 दिन राइड ना करूं तो पता नहीं चलेगा। आज जितना चलाया मैंने मुझे कोई शिकायत नहीं है, ओवरऑल काफ़ी अच्छी बाइक है। इन बदलावों के बाद नई जावा 42 काफ़ी पसंद आने वाली और ख़रीदने के लिए बहुत अच्छा विकल्प बन गई है। हाँ, ये कोई परफॉर्मेंस बाइक तो नहीं लेकिन इसके साथ राइडिंग और क्रूजिंग आसानी से हो पाती है। इंजन दमदार और शांत है, इसके अलावा डायनेमिक्स इसे और भी दिलचस्प बनाते हैं।